एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी वैदिक पीरियड के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BCE तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इसका पार्ट दो पार्ट आएगा। पहले पार्ट में हम अर्ली वैदिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 BCE तक, एंड जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 BCE तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अर्ली वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो ऋग वैदिक काल है, जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो है ऋग वेद। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो NTA, नेट, सेट या फिर KVS, PGT सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर या फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर पशुचारण और कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है फ्रेंड्स, पशुचारण एंड कृषि, जो हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे, जो कृषि है वो कृषि मुख्य व्यवसाय हो गई थी। और ये कृषि का शब्द जो ऋग्वेदिक काल में 33 बार हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप देख लेना, किसी शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में कितने बार हुआ था। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, नदी सिंधु सर्वाधिक, मतलब सबसे पवित्र, सबसे सर्वाधिक नदी माना गया है सिंधु को। और जो दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी है वो है सरस्वती। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेना, जो सिंधु नदी है वो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, और जो दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी है वो है सरस्वती। और ऋग्वेद में इस नदी को नदी तमा कहा गया है, तो ये भी आप देख लेना, किस नदी को नदी तमा के नाम से जाना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक पीरियड में जो नदी की संख्या बताई गई है वो है 25, ये भी याद कर लेना। और जो ब्यास नदी है उसको परिगणित नदी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सरस्वती नदी है उसको नदी तमा कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है सिंधु, दूसरी सर्वाधिक पवित्र जो नदी है वो है सरस्वती, और ब्यास नदी को यहाँ पर परिगणित नदी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखो, जो पॉलिटिकल कंडीशन, जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, और ग्राम विश जन ये उच्चतर इकाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, ऋग्वेदिक काल में ग्राम शब्द का प्रयोग 13 बार, और विश शब्द का प्रयोग 171 टाइम्स, एंड जन शब्द का प्रयोग 275 ये इतनी बार हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी देख लेना, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है, जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में कितनी बार हुआ था, या फिर विष या फिर ग्राम शब्द का। और ऊपर में दिया हुआ है जो कृषि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ था, वो भी ध्यान में रख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो ग्रामीण होता था वो ग्राम का प्रधान होता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्राम का प्रधान को ग्रामीण कहा गया है। और जो विष है, ये विष है गांव का समूह, कुछ गांव का समूह है ये विष, और इसका प्रधान, विष का प्रधान कहलाता था विषपति। ठीक है फ्रेंड्स, और जो विष है वो विष का समूह होता था जन, तो विष का समूह होता था जन। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रख लेना, जो ग्राम का प्रधान होता था उसको ग्रामीणी, जो कई गांव का समूह होता था उसको विष, विष का प्रधान विषपति, एंड जो कई जन होता था वो कई विष का समूह होता था, तो ये भी ध्यान रख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, तो राजा का जो पद है वो अनुवांशिक हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, राजा का पद अनुवांशिक हो चुका, तो ऋग्वेदिक काल, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ही, जो वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में ही राजा का जो पद था वो अनुवांशिक हो चुका था, तो ये ध्यान रख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो सभा, समिति एंड विधत, ये जो तीन है, ये जो गण जैसे जिस इसके अनेक कबीलाई परिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो सभा, समिति जो यहाँ पर है, जो महिलाएँ भी सभा एंड विधत में भाग लेती थी। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं, सभा क्या थी, समिति या विधत क्या थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, विधत थी
ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक वन लाइनर क्वेश्चन भी बन जाता है, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीनतम संस्था क्या थी? तो फ्रेंड्स ये विदर्भ, ठीक है फ्रेंड्स, और इसे जनसभा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का जो लाइन है वो ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में हर बारी आते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। सर्वाधिक आर्य की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी वो थी विदर्भ, और इसे जनसभा भी कहा गया है। और फ्रेंड्स ये जो सभा, देखो सभा ये वृद्ध, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये वृद्ध अन अभिजात लोगों की संस्था थी, ठीक है। और जो समिति थी ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, और इसका क्या क्या कार्य था ये भी देख लो। ये समिति जो थी वो राजा का नियुक्ति या फिर पदच्युत करने या फिर उस पर नियंत्रण रखती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो समिति के बारे में कौन सा सही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है। आप प्रीवियस नेट का NTA नेट या CET या फिर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा कर देख लो, ये समिति के बारे में कौन सा सही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखो, राजा की नियुक्ति करते थे, पदच्युत करते थे और फिर उस पर नियंत्रण भी रखते थे, तो समिति का कार्य ये ध्यान रख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो समिति का जो सभापति है उसको ईशान कहा गया है, समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो ऋग्वैदिक काल में राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, भूमि का स्वामी नहीं था, और साथ ही साथ राजा का जो पद था वो आनुवांशिक हो चुका था, फिर भी राजा का जो भूमि का स्वामी नहीं था। तो ये दोनों सेंटेंस अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल कंडीशन की, ठीक है फ्रेंड्स। जो देखो, परिवार का जो प्रधान था वो कुल या फिर गृहपति कहा जाता है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो वन लाइनर या फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, चूज द फॉलोइंग में तो कौन सा सही नहीं है, वह कौन सा सही है, तो ये ना ये तीन चार जो सेंटेंसेस है इसको अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। समाज में जो नियोग प्रथा वो प्रचलित थी, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, अच्छी तरह से देख लो। और पुत्री का जो उपनयन संस्कार ये किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पुनर्विवाह भी होते थे, दास प्रथा का प्रचलन था। तो फ्रेंड्स बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे दास प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में थी या नहीं, तो इस काल में दास प्रथा का प्रचलन थी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो, इस दोनों सेंटेंस से हम लोग पता लगा ही सकते हैं कि इस काल में जो स्त्री की जो वुमेन का जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। योग्य जो भूमि है उसको उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लेना, जो किसी योग्य भूमि है उसको उर्वरा या फिर क्षेत्र कहा गया है। आर्थिक स्थिति का मूलाधार तो था पशुधन, और यहाँ पर देखो गाय, मेनली गाय ही था जो पशुधन, और मुद्रा की भांति समझी जाती थी, गाय को मुद्रा की भांति समझी जाती थी। इसके अलावा भी बड़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलते हैं। और यहाँ पर देखो, जो भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल की एक विशेषता थी, जो भूमि थी वो निजी संपत्ति नहीं होती थी। व्यापार जो था वो पनी नामक, ये ध्यान में रख लेना, पनी नामक लोगों के हाथ में था, और वस्तु विनिमय द्वारा होता था, और विनिमय का माध्यम क्या था, विनिमय का माध्यम निक्स नामक एक मुद्रा का उल्लेख मिलता है, इसके माध्यम से विनिमय होता था, ठीक है। वस्तु विनिमय होता था, लेकिन और विनिमय के माध्यम के रूप में निक्स का भी उल्लेख हुआ है, ठीक है, ये निक्स ध्यान में रख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, एक ही अनाज यफ का उल्लेख मिला है, ठीक है, और किसी संबंधी प्रक्रिया से संबंधित जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग को यहाँ पर देख लेना। और जो किसी संबंधी, ये ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स किसी संबंधी जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेना। जिस कंडीशन में हम देखते हैं, देवताओं की तीन श्रेणियाँ थी, आकाश देवता में सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, आदित्य
उषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो वरुण सप्त का उल्लेख है तो ये 30 बार मिला है, आकाश के देवता ये थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो आकाश, कौन सी है जो आकाश की देवता नहीं थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लो जो अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता में प्रधान थी इंद्र जिसको पुरंदर भी कहा जाता है, रुद्र, मरुत, वायु आदि। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो जो इंद्र सप्त का उल्लेख है वो 250 बार मिला है, ठीक है। और जो रुद्र सप्त का उल्लेख है वो 3 बार मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ही आप पता लगा सकते हो कि ये इंद्र की देवता कितनी पॉपुलर थी, और इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और पृथ्वी की देवता, तीन श्रेणी हम बांट चुके हैं, तो तीन श्रेणी में पृथ्वी की देवता, पृथ्वी की देवता में थी अग्नि जिसका उल्लेख 200 बार हुआ है, और सोम पृथ्वी का उल्लेख 1 बार यहाँ पर देख सकते हो, बृहस्पति जिसका उल्लेख 11 बार, और सरस्वती, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी पृथ्वी की देवता। वरुण देवता को ऋतिश गोपा कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस देवता को ऋतिश गोपा कहा गया है ऋग्वेद में, तो ये वरुण देवता, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो पूषण जो ऋग्वेदिक काल में पशुओं की देवता थी, पूषण देवता जो ऋग्वेदिक काल में, ये ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में जो पशुओं के देवता थे, और उत्तर वैदिक काल आते ये शूद्र की देवता बन चुके थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो अच्छी तरह से, पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता, एंड लेटर वैदिक काल में वो शूद्र के देवता हो गए थे। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखो अरण्यानी जो ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो गायत्री मंत्र ऋग्वेदिक के तीसरी मंडल में मिलता है इसका जिक्र, और जिसकी रचना की श्रेय जाता है विश्वामित्र को, ठीक है फ्रेंड्स। जो ऋग्वेद का जो ऋग्वेदिक गायत्री मंत्र ऋग्वेदिक की किस मंडल पे मिलता है, तीसरी मंडल, ये ध्यान रखना, और इसके रचयिता थे विश्वामित्र, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऋग्वेदिक में ही महामृत्युंजय की मंत्र भी यहाँ पर ही मिलते हैं, और ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र को त्र्यंबक कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी वेद में, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सरस्वती नदी, यहाँ सरस्वती जो नदी की देवती थी वैदिक काल में, और बाद में ये विद्या का देवी हो गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी वन लाइनर क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चूज द फॉलोइंग में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर भी आ सकता है। जो सरस्वती नदी थी वो देवी की, सरस्वती जो नदी की देवती थी जो अर्ली वैदिक पीरियड में, और बाद में हम इसको देखेंगे जो विद्या का, सरस्वती विद्या का देवी बन चुकी थी। तो फ्रेंड्स आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी लेटर वैदिक के बारे में। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।